नमस्ते बच्चों, अपन ने पढ़ लिया था लेसन नंबर थर्ड। क्वेश्चन आंसर अपने कर लिए थे। अब अपन पढ़ेंगे केवल पढ़ने के लिए। आपको एक रीडिंग पैराग्राफ दिया गया है। रीडिंग पैराग्राफ पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। अपन फिर क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइंड कर रहे हैं। रिवाइंड करने का मतलब एक बार क्या करेंगे, उसको रिवाइंड करेंगे। रिवाइंड करना मतलब अपने को फिर क्या करना है, इसका रिविजन करना है। ठीक है, ऐसे ही रीडिंग पैराग्राफ है। आपको सिर्फ रटने मतलब पढ़ने के लिए दिया गया है। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने की स्किल्स है आपकी। ठीक है, आप कितना पढ़ सकते हो, आप उसको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, उसके लिए अपन सिर्फ पढ़ेंगे इसको। ठीक है, केवल पढ़ने के लिए। केवल पढ़ने के लिए मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको पढ़ना है। ठीक है, क्या है आपका रीडिंग पैराग्राफ, रट्टू तोते। ठीक है, तोते कैसे थे, रट्टू थे। रट्टू मतलब जो सिर्फ रटते हैं। पहले भी पढ़ा था अपन ने, एक बार फिर पढ़ रहे हैं। किसी जंगल में एक साधु रहता था। एक जंगल था घना, उसके अंदर कौन रहता था, एक साधु महात्मा जी तो रहते थे। ठीक है, पहले पुराने जमाने में क्या होते थे, बड़े बड़े आश्रम होते थे। कहाँ होते थे, जंगल के अंदर। ठीक है, तो एक साधु महात्मा जो थे अपने आश्रम में रहते थे, और आश्रम कहाँ था उनका, जंगल के अंदर। ठीक है, तो किसी जंगल में एक साधु महात्मा रहते थे, उसने अपने आश्रम में कुछ तोते पाल रखे थे। ठीक है, जो महात्मा जी थे उन्होंने क्या कर रखा था, अपने आश्रम के अंदर क्या पाल रखे थे, तोते पाल रखे थे। एक बार एक साधु ने देखा कि एक शिकारी रोज आता है। ठीक है, एक बार जो साधु महात्मा थे उन्होंने क्या देखा कि एक शिकारी जो है रोज जंगल में आता है। ठीक है, अब जो साधु महात्मा थे वो कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे, आश्रम बनाकर, और उनके आश्रम में क्या पाल रखे थे उन्होंने, कुछ तोते पाल रखे थे। ठीक है, क्या पाल रखे थे, कुछ तोते पाल रखे थे। एक बार जो साधु महात्मा थे उन्होंने क्या देखा कि एक जो शिकारी है वो क्या करता है, रोज वहां पे आता है। ठीक है, क्या देखने के लिए, और उसके पालतू तोते पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। ठीक है, अब एक बार की बात है, एक जंगल में क्या रहते थे, एक साधु महात्मा रहते थे, उन्होंने अपने आश्रम में क्या पाल रखे थे, कुछ तोते पाल रखे थे। एक बार साधु महात्मा जी ने क्या देखा कि एक शिकारी रोज कहाँ आता है, उनके आश्रम के आसपास आता है, और वो किस लिए जाल बिछाता है, उनके जो पालतू तोते थे उनको पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। ठीक है, शिकारी कौन होता है बच्चों, जो क्या करता है, शिकार करता है। ठीक है, किसका, पशु पक्षियों का। ठीक है, साधु कौन होता है, जो क्या करते हैं, पहले पुराने जमाने में जो आश्रम में रहते थे जो क्या करते थे, ज्ञान देते थे लोगों को, उसको बोलते हैं साधु महात्मा। ठीक है, शिकारी से बचाने के लिए उसने अपने तोतों को यह पाठ सिखाना शुरू कर दिया। अब जो महात्मा जी थे उनको डर लगने लगा कि भाई ये शिकारी तो मेरे तोतों को पकड़ के ले जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो तोते थे पालतू उनको एक पाठ पढ़ाना सिखाना शुरू कर दिया। पाठ सिखाना मतलब उनको ज्ञान देना। ठीक है, उनको ये सिखाना चालू कर दिया। शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, दाने बिखेरेगा, पर हम नहीं खाएंगे। ठीक है, क्या सिखाया उन्होंने कि शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा और दाने बिखेरेगा, पर हम नहीं खाएंगे। किसको सिखाया ये पाठ उन्होंने, तोते को सिखाया। क्या सिखाया कि शिकारी जब आएगा और अपना जाल बिछाएगा, अपना जाल बिछाएगा और दाने बिखेरेगा, तो आपको क्या नहीं करना है, वो दाने नहीं खाने। ये बात किसको सिखाई उन्होंने, तोतों को सिखाई। किसने सिखाई, साधु महात्मा ने। ठीक है, क्या सिखाया साधु महात्मा ने कि अगर शिकारी आए, जाल बिछाए, तो आपको क्या नहीं करना है, उस जाल में बिखरे दानों को नहीं खाना है। ठीक है, तोतों ने ये वाक्य रट लिया। अब जो तोते थे वो तो रट्टू थे। रट्टू मतलब उन्होंने क्या किया, उस वाक्य को रटना शुरू कर दिया। रटना मतलब उनको रट्टा लगाना। साधु का विचार था कि इन वाक्यों को रटते रटते यह तो बात तोतों के समझ में आ जाएगी। ठीक है, साधु महात्मा ने क्या सोचा कि ये बात रटते रटते क्या होगा, एक दिन जो तोते हैं वो सीख जाएंगे, और वो क्या नहीं करेंगे, ये बात सीख लेंगे कि अगर शिकारी आए, जाल बिछाए तो और दाने बिखेरे तो उनको नहीं खाना। ठीक है, महात्मा जी ने क्या सोचा कि अगर शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाने डालेगा तो क्या नहीं खाना, इन तोतों को वो नहीं खाने। ठीक है, और वे दानों की लालच में जाल में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, महात्मा जी ने सोचा कि ठीक है, मैं क्या करता हूँ, तोतों को सिखा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, फिर ये समझदार हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे कि जो दाने बिखेरेगा, शिकारी जाल बिछाएगा और दाने बिखेरेगा, तो ये तोते समझदार होंगे, तो ये नहीं खाएंगे। ठीक है,
अब तोते जो थे उन्होंने क्या किया, इस वाक्य को रटना शुरू कर दिया। तोते जो थे रट्टू थे, तो साधु ने सोचा कि ठीक है, रटते रटते एक दिन तो ये बात समझ में आ ही जाएगी कि इनको लालच में क्या नहीं करना है, जाल में नहीं फंसना है। ठीक है बच्चों, जब अपन लेसन पढ़ते हैं, ठीक है, लेसन का मॉरल समझना जरूरी है। आप छोटी क्लास में अभी आप जो चीज सीखोगे, अगर उसका अर्थ आपको समझ में आ जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको लॉन्ग टाइम समझ में आ जाता है आपको। लेकिन आप बड़े होते हो फिर भी अगर आप वो बात नहीं समझते, तो आपने क्या किया, उसको रटा है। ठीक है, क्या किया है, रटा है। हमको क्या करना है, लेसन को रटना नहीं है, उसको समझना है। उसका मीन्स क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे अपन कहानी पढ़ रहे, तो कहानी का क्या मतलब निकल रहा है, हमको क्या समझ में आ रहा है, हमने अपने जीवन में क्या समझा। अब जो महात्मा जी थे उन्होंने क्या किया, तोतों को ज्ञान देना शुरू कर दिया कि शिकारी आए, जाल बिछाए, दाने बिखेरे तो आपको नहीं खाने। अब तोतों ने भी इस वाक्य को रट लिया। ठीक है, साधु का विचार था कि रटते रटते एक दिन क्या होंगे, ये तोते समझ जाएंगे और लालच में क्या नहीं करेंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। शिकारी फिर आया, एक दिन शिकारी फिर आया, उस समय तोते वही वाक्य रट रहे थे। अब जो तोते थे वो रट्टू थे, उन्होंने क्या किया, साधु महात्मा का जो वाक्य था वो रट लिया, याद कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, रट्टू ये तरह उसको रटने लगे। ठीक है, जो साधु महात्मा का जो वाक्य था क्या करने लगे, वो रट्टा लगाने लगे। जब शिकारी ने तोतों को यह रट लगाते सुना तो वह बहुत निराश हुआ। अब जो शिकारी था उसने क्या किया, उसको रट्टा लगाते सुना तो वो क्या हुआ, बहुत निराश हुआ। क्या हुआ, बहुत निराश हुआ। उसको ऐसा लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये क्या होंगे, मेरे जाल में नहीं फंसेंगे। क्या नहीं होंगे, तोते मेरे जाल में नहीं फंसेंगे। ठीक है, फिर भी उसने जाल फैलाकर दाने बिखेरे। फिर भी क्या किया उसने, जाल फैलाकर क्या किया, दाने बिखेर दिए। ठीक है, क्यों बिखेरे, उसने ऐसा सोचा कि अगर वो जाल बिखेरे बिछा देगा और क्या करेगा, दाने बिखेर देगा, तो क्या होगा, कोई ना कोई तोता तो लालच में आकर फंसेगा। ठीक है, शिकारी ने तोतों को रटते हुए देखा तो वो पहले क्या हुआ, निराश हो गया। क्यों निराश हो गया, उसको ऐसा लगा कि अब ये समझ गए कि मैंने जाल क्यों बिछाया, तो तोते जो है वो उसमें नहीं फंसेंगे। क्या नहीं फंसेंगे, जाल के अंदर नहीं फंसेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने क्या सोचा कि कोई बात नहीं, फिर भी मैं क्या करता हूँ, अपना काम करूंगा। उसने जाल बिछा कर क्या किया, जाल फैलाकर दाने बिखेर दिए। उसके बाद वह एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। अब जो शिकारी था उसने क्या किया, जाल बिछाया और उसके ऊपर दाने बिखेर कर क्या किया, पीछे जाकर पेड़ जो था एक, उसके पीछे जाकर छिप गया या बैठ गया। दानों को देखकर तोतों के मन में क्या आ गया, ललचा गया। ठीक है, दाने बिखरे देखकर तोते जो थे उनके मन में लालच आ गया। क्या लालच आ गया, कि ठीक है हम दाने क्या करें, खा लें। वे दाने खाने के लिए नीचे आ गए। ठीक है, तोते जो थे वो दाना खाने के लिए कहाँ आ गए, नीचे आ गए और जाल में फंस गए। ठीक है, अब जो शिकारी जो था उसने क्या किया कि तोते का वाक्य को रटते तो देख लिया कि हाँ भाई शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने बिखेरेगा, पर हमको नहीं खाने। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका मतलब नहीं समझा। ठीक है, उन्होंने उस वाक्य को तो रट्टा लगा लिया, लेकिन उसका जो मीन्स था, उसका जो अर्थ था वो नहीं निकला। अर्थ क्या था उनका, कि जब शिकारी आए और दाने बिखेरे, जाल बिछाए, तो उनको नहीं खाने, ये साधु उनको सिखाना चाहता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस वाक्य को सिर्फ रट लिया, याद कर लिया। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर को सिर्फ रट लेते हैं। रटना मतलब उसका अर्थ नहीं समझते, सिर्फ रट्टा लगाते हैं। रट्टा लगाया हुआ ज्ञान क्या होता है, आधा अधूरा होता है। ठीक है, तो इन तोतों ने भी क्या किया, उस वाक्य को रट्टा लगा लिया। तो रट्टा लगाते देख जब शिकारी ने इनको देखा तो उसको थोड़ी निराशा हुई, भाई अब तो ये बहुत समझदार हो गए तोते, तो ये मेरे जाल में नहीं फंसेंगे। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, जाल बिछाया और दाने बिखेर कर कहाँ छिप गया, वह पेड़ के पीछे जाके छिप गया। दानों को देखकर तोते जो थे उनके मन में क्या आ गया, लालच आ गया। वे दाने खाने के लिए नीचे आ गए और जाल में फंस गए। शिकारी सबको पकड़कर अपने घर ले जाने लगा। जो शिकारी था उसने क्या किया, सबको पकड़कर अपने घर ले जाने लगा। सबको पकड़ लिया और उसको कहाँ ले गया, अपने घर ले गया। ठीक है, अब जो तोते थे वो जाल में फंस कर क्या बोल रहे हैं, शिकारी आएगा टाए टाए, अपना जाल बिछाएगा टाए टाए, दाने बिखरेगा पर हम नहीं खाएंगे। ठीक है, अब शिकारी क्या बोल रहा था कि ठीक है, जो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने बिखेरेगा, पर हम नहीं खाएंगे। ठीक है,
कौन बोल रहे हैं? ये तोते बोल रहे हैं। तोते उस समय भी साधु की वाक्य का क्या रह गए थे? सिर्फ रट्टा लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? रट्टा लगा रहे थे। मगर अब यह सब कहने का कोई लाभ नहीं, लेकिन अब कुछ कहने का लाभ नहीं, क्योंकि शिकारी के जाल में वो क्या कहते हैं, सारे तोते फंस चुके थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, साधु की जो बात थी उसका अर्थ नहीं समझा। साधु उनको क्या समझाना चाहता था कि कोई भी समस्या आए तुमको क्या करना है, उसको जाल में नहीं फंसना। लेकिन उन्होंने क्या किया, जाल में फंस कर भी क्या कर रहे थे, वो साधु की बात का रट्टा लगा रहे थे। बच्चों, कुछ भी सीखने के लिए केवल रटना काफी नहीं, बात को समझकर व्यवहार में लाइए, तभी उसका कुछ लाभ हो सकता है। ठीक है, हमको क्या करना है, सिर्फ बात का क्या करना है, रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, रट कर उसको नहीं बताना कि हाँ आप क्वेश्चन आंसर रट लेते हो, तो आपको क्या नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है, बल्कि क्या करना है, बात को समझकर उसको व्यवहार में लाना। ठीक है, उसको समझना है, व्यवहार में लाना। व्यवहार में लाना मतलब उसका प्रयोग भी अपने जीवन में करना है। ठीक है, जैसे आप प्लस माइनस सीखते हो तो उसका भी क्या करना है, कभी आपको पैसे दिए जाए, जैसे 10 रुपए दिए हैं तो 10 रुपए में से कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, तो ये आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हिंदी भी पढ़ाई जाती है, तो आपको क्या करना है, उसको रट्टा नहीं लगाना, आपको उसको समझ कर करना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ के करना है। समझ के करोगे तो आपको क्या है, उसका जो ज्ञान है वो आपके दिमाग में आएगा, आपको समझ में आएगा, हाँ ये चीज हुई है। ठीक है, अपन कहीं जाते तो अपन उसको घटना को कैसे समझते हैं, जब आप समझते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वाक्य को रटना नहीं है, उसको क्या करना है, अपने समझ कर अपने व्यवहार में भी लाना है। ठीक है, तो बच्चों ये जो रीडिंग पैराग्राफ है आपका खत्म होता है, इसको आपको क्या करना है, सिर्फ रीड करना है। क्या करना है, सिर्फ रीड करना है। इसको आपको नोटबुक वगैरह में नहीं उतारना, इसका कोई होमवर्क नहीं है, ये सिर्फ आपको क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, रीड करके इसको समझना है। ठीक है, समझना है मतलब कोई भी ज्ञान हमारे लिए क्या होता है, हमको सिर्फ उसका क्या करना है, पढ़ना नहीं है, उसको रटना नहीं है, उसको हमने व्यवहार में लाना है, उसको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे के चैप्टर के बारे में या फिर कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक